Then
वाइफ की हेल्प हो। तो वो क्या करते हैं, अपने वाइफ को बुलाते हैं। तो जो कैरेट है उसको, उसकी लिप्स को जो है, देखिए जैसे ओल्ड मैन ने जो ग्रैंड फादर है वो पकड़ लेते हैं, देन ग्रैंड फादर को कौन पुल करता है, ग्रैंड मदर आती है वो पुल करती है, ताकि दो जनों की मदद से जो है वो कैरेट उखड़ जाए, निकल जाए। ठीक है, तो फिर ग्रैंड मदर आती है, तो ग्रैंड मदर से भी जो है वो नहीं निकलता है। तो ग्रैंड मदर क्या करती है, उनकी ग्रैंड डॉटर जो होती है, उनकी नाती, उन्हें बुलाती है, देखें यहाँ पे जन्म दिया है। ठीक है, फिर कितने जन, कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 3 पर्सन। तो ये तीनों मिलके भी जो है निकल नहीं पाते हैं वो कैरेट। फिर ग्रैंड डॉटर क्या करती है, उसका छोटा सा डॉगी होता है उसे बुलाती है, देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो वो डॉगी मतलब ये लोग 4 हो गए, ठीक है, 4 पर्सन। तो 4 जो है उनसे भी जो है निकलता ही नहीं है कैरेट। देन डॉग जो है वो कैरेट को, घर कैट को बुलाता है, तो कैट से भी वो भूल नहीं होता है, पांचों की मदद से भी, पांचों की जो है ताकत से भी वो नहीं निकलता है। फिर माउस आता है छोटा सा, ठीक है, कैट जो है माउस को बुलाती है, तो माउस से भी वो नहीं निकलता है, नहीं। फिर माउस क्या करता है, माउस जैसे ही आता है थोड़े देर बाद फिर 6 लोगों की मदद से बहुत तेज मेहनत से जो कैरेट है उखड़ के निकलता है, और सारे जो है धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ओके, तो ये स्टोरी जो है इसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर है, और यही इसके अकॉर्डिंग हमको ये आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये लिखवा देती हूँ अभी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी पीपल आर पुलिंग द कैरेट, कितने पीपल हैं जो कैरेट को पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10th में 6। ओके, 6 जन पुल कर रहे हैं। सेकेंड वाला लिखिए, फिफ्थ नंबर इज हाउ मेनी ऑफ देम आर बिफोर
तो ये
इस हिसाब से स्मॉलर डिजिट पहले लिखनी है और ग्रेटर बाद में लिखनी है, उसे क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ओके, तो ये आपको फिल कर देना है। देन उसी के नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग किसी के अपोजिट होता है, मीन्स अभी आपने असेंडिंग में छोटे से बड़ा लिखा है तो डिसेंडिंग में बड़े से छोटा आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट वन आपको बता दे दूं मैं, 62, 57, 48, 89 and 84। तो इसमें आपको सबसे बड़े डिजिट पहले लिखनी है, ठीक है। तो बड़े डिजिट कौन सी है इसमें, 89, then 84, then 62, then 57 and then 48। क्या आपको मैंने करवा दिया है तो आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद पेज नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, ट्रेन दिखाई गई है, उसमें कुछ एनिमल्स है, तो ये क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और उसके आंसर देते हैं। हु इज एट द फर्स्ट पोजिशन बिफोर ऑल द अदर एनिमल्स। फर्स्ट पोजिशन में कौन है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पोजीशन में कौन है, लायन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लायन फर्स्ट वाले लाइन में। नाउ सेकेंड इज, हु इज जस्ट बिहाइंड द लायन, है ना, लायन के जस्ट पीछे कौन है। देखिए लायन के पीछे रैबिट है, तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखिए रैबिट। थर्ड क्वेश्चन इज, जिराफ इज एट विच ऑर्डिनल नंबर। जिराफ देखिए कौन से नंबर पे है, ऑर्डिनल नंबर अभी मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो जिराफ काउंट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट एंड नाइन। जिराफ नाइन्थ नंबर पे है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एन आई एन टी एच नाइन। ओके, नाउ फोर्थ वन इज, हु इज जस्ट बिहाइंड द मंकी। ओके, हु इज जस्ट बिहाइंड द मंकी, मंकी के ठीक पीछे कौन बैठा है। देखिए ये है मंकी और उसके पीछे कौन है, टाइगर, तो लिखिए टाइगर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु इज जस्ट बिफोर द एलिफेंट। एलिफेंट के पहले कौन है, देखिए एलिफेंट से पहले कौन है, जिराफ, तो देखिए जिराफ। सिक्स्थ वन इज, हु इज एट द एट्थ पोजीशन। एट्थ पोजीशन पे कौन है, काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड एट। एट पे है रैट, तो लिखिए रैट। सेवन
स्टूडेंट